गुड मॉर्निंग। किसी भी रिलेशन को हम इक्वेलेंस रिलेशन कहेंगे यदि वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। L1 बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R के ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर L1 कॉमा L2 बिलोंग करेंगे सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। यानी दोनों लाइनें अगर एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं तो आर रिलेशन के अंदर जाएंगी। सो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि आर सिमेट्रिक बन रहा है परंतु रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं बन रहा। तो यहां से आर रिलेशन लिखा है कि ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं L1 कॉमा L2 सच दैट L1 क्या है, परपेंडिकुलर हो L2 पे। और L क्या लिया है हमने, द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। आपके पास एक प्लेन दे रखा है उसके अंदर सभी लाइनें जितनी भी लाइनें हो सकती हैं वो L हैं। क्या मेरे पास कोई लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक लाइन ऐसे गई है और ये सेम लाइन उसी के ऊपर से जा रही है तो ये पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती। तो L1 कॉमा L1 बिलोंग नहीं करेगा R में बिकॉज L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इट सेल्फ। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें यहाँ पे नॉट रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना था, उसके बाद हमने करना ये सिमेट्रिक बनेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं आर्बिट्रेरी, L1 कोमा L2 बिलोंग कर रहा है R में, तो हमारे पास यहां से आएगा कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पे। तो यहां से आप फिगर में देख भी सकते हो कि L1 एक लाइन ली है और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन L2 खींची है, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मेरे पास जो दूसरी लाइन है वो पहली पे भी तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसे लिखा जा सकता है कि L2 परपेंडिकुलर है L1 पे। तो मेरे पास L2 कॉमा L1 बिलोंग करेगा R में। सो R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव यहाँ पे लिखा है नो ट्रांजिटिव, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगी। तो इसके लिए दे देते हैं एक एग्जाम्पल, ले लेते हैं L1 L2 और L2 L3 बिलोंग कर रहा है R में। L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में तो L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के, और इस एलिमेंट के बिलोंग कर रहा है तो L2 परपेंडिकुलर होगा L3 पे। फिगर से देखिए कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पे और L2 परपेंडिकुलर है L3 पे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में। बट जो L1 और L3 दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे, नहीं होंगे ना। तो यहाँ पे L1 पैरेलल होगा L3 के, यानी हम लिखते हैं L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। जब L1 L3 पे परपेंडिकुलर नहीं है तो L1 कॉमा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो R इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और आप यहां से देख भी पा रहे होंगे कि R मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं बनेगा। तो यहां से आप लिख दीजिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, और इसके बाद ये लाइन लिख दीजिए जो आपको प्रूव करनी है, R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय, ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एक्स वाई कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी एक्स भी एक बुक है, वाई भी एक बुक है, इसके अंदर जाएंगी यदि दोनों क्या रख रही हूं, सेम नंबर ऑफ पेजेस रख रही हूं। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो दैट लिखा है, हमें चेक नहीं करना, हमें प्रूव करके दिखाने कि ये इक्विवेलेंस बनेगा। देखते हैं इसको इक्विवेलेंस बना देते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक बुक ले लेते हैं एक्स। एक्स को ही हमने बुक ली, एक्स के अंदर जितने पेजेज हैं एक्स के अंदर उतने ही पेजेज होंगे ना। तो यहां पे लिखेंगे एक्स कोमा एक्स बिलोंग करेगा आर में फॉर एवरी, जितने भी आपके पास एलिमेंट होंगे यहां से एक्स बिलोंग्स टू ए, बिकॉज एक्स एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज। क्योंकि दोनों किताबें जब सेम ही है तो उनके अंदर नंबर ऑफ पेजेस भी सेम होंगे। तो ये क्या हो गया मेरे पास, आर इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक। मान लेते हैं कि इसके अंदर एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो यहां से क्या इंप्लॉइज होएगा कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि वाई एंड एक्स एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस,
एक्स और वाई में जितने पेजेस हैं दोनों में सेम है, तो वाई और एक्स में भी सेम ही होंगे। तो यहां से वाई कोमा एक्स क्या करेगा, बिलोंग कर जाएगा आर में। सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड ट्रांजिटिव, देखते हैं बनेगा या नहीं बनेगा। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में एंड वाई जेड भी मान लिया बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमें यहां से बीच में से वाई को हटा देना है और दिखाना है कि एक्स जेड भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब एक्स के अंदर उतने ही पेज है वाई में भी उतने ही है, वाई में जितने हैं जेड में भी उतने ही नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो एक्स एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर एक्स और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो एक्स कोमा जेड कहां बिलोंग करेगा, आर में। सो आर इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। जब वो रिफ्लेक्सिव भी बन रहे हैं, सिमिट्रिक भी बन रहे हैं, ट्रांजिटिव भी बन रहे हैं, तो आर क्या हो गया आपके पास, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दैट रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स होते हैं हमारे पास ट्राइंगल हुई, क्वारडिलेटर हुए, पेंटागन हुए, हेक्सागन हुए, ये सभी हमारे पास पॉलीगन्स होते हैं। यानी जो आपके पास साइडों से बनी हुई एक फिगर हो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। एज आर को कैसे डिफाइन किया गया है, रिलेशन आर P1 कोमा P2 बिलोंग करेंगे R में, सच दैट P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। यदि P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड हैं, तो वो इस R रिलेशन में आएंगे एलिमेंट। हमें प्रूव करना इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5। तो हमें वो वाला सेट बताना है कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल से 3, 4, 5 जिसकी साइडें हैं, कि कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड होंगे इस रिलेशन से। तो आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह इसे आप खुद करोगे सॉल्व। वहां पे हमने पेजेस वर्ड यूज किया था, पेजेस वर्ड की जगह आपके पास यूज हो जाएगा साइड्स, कि P1 एंड P1 सेम नंबर ऑफ साइड रख रहे हैं, P1 P2 सेम रख रहे हैं, तो P2 P1 भी सेम रखेंगे। तो आप उसे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 में पेजेस की जगह साइड्स यूज करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विच साइड्स 3, 4 एंड 5 आर दोज पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स, सिंस टी इज ए पॉलीगन विद 3 साइड्स। टी क्या लिया है, ट्राइंगल के लिए डिनोट कर रहे हैं। और इस रिलेशन में कौन कौन सी आएंगी, कि दोनों के पास नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए, एक ट्राइंगल ही बनने, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास, हेंस द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, 3 साइड ट्राइंगल के पास होती है ना, इज रिलेटेड टू टी। इस वाले टी से वो सभी ट्राइंगल रिलेट हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास कितनी है, नंबर ऑफ साइड 3 है। तो मेरे पास सभी ट्राइंगल्स के पास नंबर ऑफ साइड 3 होती है, तो इससे जो रिलेटेड होंगी टी से वो क्या होंगी, ऑल ट्राइंगल्स।